वेलकम टू speedearning.com, speedearning.in दोस्तों वेबसाइट विजिट कीजिए। स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, कमोडिटी या करेंसी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, एक एक छोटी छोटी बात हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए चैनल के लिंक को मैक्सिमम लोगों को अपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, और साथ में अपस्टॉक्स की लिंक दे रखी है अकाउंट ओपनिंग के लिए। इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी तीनों के अकाउंट खुलवा लीजिए। आपको इसमें पैसा न के बराबर लगेगा, लेकिन फायदा जो होगा वो बहुत बहुत बड़ा है। धीरे से आप इस बात को समझ जाएंगे अगले 6 से 12 महीनों के अंदर। और फ्री सपोर्ट ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम टेक्निकली, फंडामेंटली, इंट्राडे में क्या चीज़ हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे उसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं, अपने ट्रेड शेयर करते हैं, वो आपको काफ़ी मदद करते हैं सीखने और समझने के लिए। तो चलिए आगे बात करते हैं। आज इस टॉपिक में क्या बात होगी कि आप जो ऑर्डर्स लगाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, कैसे आप बाइंग और सेलिंग करते हैं, कैसे आप अपने ऑर्डर को मॉडिफाई या कैंसिल कर सकते हैं, कैसे आप स्क्रीन को तेज़ी से देख के डिसीजन ले सकते हैं, वो हर बात जो एक ट्रेडर को पहले से पता होनी चाहिए, जो उसके काम को बड़ा आसान बना सकती है, जो उसके नुकसान को आधा कर सकती है, लॉसेस को कट डाउन कर सकती है और प्रॉफिट को 3 गुना 4 गुना भी बढ़ा सकती है, ये सब आपको यहाँ से पता लगेगा। इस वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंस के साथ देखना है आखिरी तक, और एक बार नहीं देखना है, आप इसको हर वीकेंड में देखें तो भी अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में, लेकिन एक आम ट्रेडर मुश्किल से 10-20% टूल्स का इस्तेमाल करता है। बाकी टूल्स का ना तो उसको पता है तो इस्तेमाल करने की आदत नहीं है, या फिर पता ही नहीं है और इस्तेमाल करने की आदत नहीं होने की वजह से कई बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप खो देंगे। तो कैसे होती है प्रॉब्लम, वो हम शुरू से बात करते हैं। ट्रेडिंग ऑपरेशन आप क्या करते हैं, जैसे ही अपना अकाउंट खुलवाते हैं, सपोज आपने अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलवाया या आपने किसी भी दूसरे ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाया, अपने डॉक्यूमेंट भेजे, उसके बाद में जब अकाउंट ओपन हो जाएगा तो वो आपके स्मार्टफोन में और आपके लैपटॉप में सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने को आपको कहेंगे। आप सॉफ्टवेयर को लॉगिन करेंगे, फिर आपको बनानी होगी मार्केट वॉच स्क्रीन पे। बाय डिफ़ॉल्ट उनकी मार्केट वॉच हो सकती है, बहुत सारे ब्रोकर्स ने ये चीज़ समझी है। जैसे आप स्टॉक्स की बात करें, आप स्टॉक्स ने क्या किया है कि सारी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की जितने भी स्ट्राइक प्राइस है वो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आपको वहाँ नज़र आ जाते हैं, उसको खरीदना बेचना बहुत जल्दी हो जाता है। समझो एकदम से निफ्टी में मूवमेंट आने लगा 200 पॉइंट का, और अभी तो वो यहाँ से 40 पॉइंट ही चली, एकदम कूद के 200 पॉइंट तो नहीं बढ़ जाएगी, लेकिन 40 पॉइंट चलने में चुप क्यों जाते हैं कि आप जिस कॉल को देख रहे थे 60 रुपए पे और खरीदने को सोच रहे थे, अगर वो 65 हो जाएगा तो आपको लगेगा कि आप मौका चुक गए, आप सोचेंगे नीचे आए तो लेता हूँ, इतने में वो 72 हो जाएगा तो अब तो लेने का मतलब ही नहीं है, शाम तक वो 110 रुपए पे खड़ा होगा। आप कहेंगे कि अरे एक जरा सी चीज के पीछे चुप गए। चुप क्यों गए, क्योंकि मैं जो स्ट्राइक प्राइस ढूंढ रहा था, फिर उसको लाके मार्केट वॉच में लगा रहा था और जब तक खरीदूं तब तक तो वो 5-7 रुपए बढ़ गया। तो स्पीड का सबसे बड़ा रोल है, इसीलिए तो स्पीड अर्निंग है कि यहाँ पे जो भी काम होगा स्पीड से काम करोगे तो आपके रिजल्ट कई गुना बढ़ जाएंगे। लेकिन स्पीड ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अधूरेपन के साथ, स्पीड होनी चाहिए कंट्रोल के साथ, स्पीड होनी चाहिए समझ के साथ, नहीं तो बचकाने तरीके से स्पीड लाएंगे तो बर्बादी हो जाएंगे, मर जाएंगे दुर्घटना से तो देर भली है। तो पहली चीज हो गई आपकी मार्केट वॉच बनेगा, तो मार्केट वॉच आप पहले से बना के रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कितने मार्केट वॉचेज हैं वहां पे चेक कर लो, जो लिस्ट आप बनाते हो ना, एक आपकी स्टॉक की मार्केट वॉच हो जाए 52 हफ्तों के हाई लो के वाली या मंथली गेनर लूजर वाली, एक मार्केट वॉच स्टॉक्स की बना के रख ली जिसमें गेनर है ऊपर, बीच में 2 लाइन की गैप है, नीचे लूजर्स हैं। फिर आपने निफ्टी के सारे स्ट्राइक प्राइस का एक मार्केट वॉच बना लिया, बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल और पुट का एक मार्केट वॉच बना लिया, ऐसे पहले से आपके पास तैयारी है। अब आप किसी चीज को खरीदना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे मार्केट वॉच सामने आया तो आप अगर परसेंटेज चेंज को क्लिक करेंगे ना तो अपने आप जो अल्फाबेटिकली अरेंज था वो आपकी स्क्रीन गेनर टू लूजर या लूजर टू गेनर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी। जो भी आपका कॉलम का टाइटल होता है आप उसको क्लिक कीजिए, वो उस हिसाब से अरेंज हो जाएगी। अगर आप नेम पे भी क्लिक करेंगे ना,
जो कॉलम नेम है वहां पे नेम पे क्लिक करेंगे तो अल्फाबेटिकली भी अरेंज हो जाएगा। मतलब आपके सॉफ्टवेयर में चीजों को अरेंज करने के टूल्स हैं। अब आप ये देखना चाहते हैं कि आप जाके nsindia.com में वॉल्यूम देखो पता लग जाएगा, मनी कंट्रोल में जाके वॉल्यूम देखो पता लग जाएगा, लेकिन मैंने जो मार्केट वॉच बना रखा है इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस में हो रहा है ये देखने के लिए मैं वॉल्यूम वाले कॉलम पे जाके टाइटल, जो कॉलम का टाइटल है हेड है उसको क्लिक करूंगा तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। तो वॉल्यूम को कैसे इस्तेमाल करेंगे, भाई बहुत वॉल्यूम के साथ अगर एलटीपी हाई के करीब है तो इसका मतलब इसमें कोई बहुत अच्छी खबर है, अभी हाई तोड़ के नए नए हाई बनाने वाला है, आप उसमें ऑर्डर लगाइए हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग। और अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ ये लो के करीब है, मतलब कोई बुरी खबर आई है, अपना लो तोड़ के नए नए लो बनाता जाएगा, ये चीज काम आ जाएगी। अब आप ऑर्डर लगाने गए, बाय ऑर्डर या तो बाय करके डायरेक्टली आप खरीदते हैं या फिर F1 से बाइंग होती है, F2 से सेलिंग होती है, तो आप बाय ऑर्डर में गए तो ऑर्डर टाइप में SL चुनते हैं, SL स्टॉप लॉस, बाय डिफॉल्ट वहां पे RL होता है, RL को आपने क्या किया SL किया, फिर आपको दो प्राइस डालनी पड़ेगी, ट्रिगर प्राइस बाइंग प्राइस। तो ट्रिगर को क्रॉस करके जब बाइंग आएगी तो वो जब हाई तोड़ेगा तभी बाइंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो अभी जब भी बाजार में बड़ी गिरावट आई ना तो लोग बच गए, बाल बाल बच गए, कि कोई स्टॉक ऐसा था बिल्कुल हाई पे खड़ा था, हाई पे बाइंग लगा के रखी थी आपने, वो बाइंग हो ही नहीं पाई और यहीं से लुढ़क के ये 100 पॉइंट नीचे चला गया, लेकिन आप क्यों नहीं फंसे, क्योंकि हाई पे बाइंग लगा रखी थी, हाई तोड़ता तो ही बाइंग होती, हाई इसने तोड़ा ही नहीं, यहीं से लुढ़क के नीचे चला गया। ऐसे ही स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर लगाना है, ऑर्डर टाइप में SL, ट्रिगर प्राइस और सेलिंग प्राइस डालेंगे। अब ट्रिगर प्राइस और सेलिंग प्राइस में गैप होना चाहिए 0.1% या 0.05% के बीच का। तो बड़ी प्राइस हो तो ट्रिगर प्राइस सेलिंग प्राइस में 5-5 पॉइंट का गैप होगा, मीडियम प्राइस हो तो 1 रुपए का गैप होगा, बहुत छोटी प्राइस हो तो 10 पैसे का गैप होगा। तो वो आप धीरे धीरे चीजों को समझ लेंगे, उस पर डिटेल वीडियो भी हमने बना रखे हैं, कि वीडियो में सारी बातें नहीं बता सकते। अब बात आती है, एक ब्रेकेट ऑर्डर आया आपके पास, BO बोलते हैं उसको, है ना, डिस्काउंट ब्रोकर्स ने BO दे रखा है, ब्रेकेट ऑर्डर। तो ब्रेकेट ऑर्डर में क्या होगा कि आप इधर स्टॉप लॉस और उधर प्रॉफिट बुकिंग टारगेट दोनों डिफाइन कर सकते हैं एक साथ। आपने कोई चीज 210 रुपए में खरीदी, इधर 2 रुपए का स्टॉप लॉस 208 पे डिफाइन कर दिया, उधर आपने 213-215 पे सेलिंग ऑर्डर भी डिफाइन कर दिया 50-50 की क्वांटिटी में, कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ब्रेकेट ऑर्डर। ब्रेकेट ऑर्डर में आप नीचे स्टॉप लॉस ऊपर प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों चीजें नहीं लगा रहे हैं, जैसे हम अपनी ट्रेडिंग में क्या कहते हैं आपसे, हम आपसे कहते हैं शुरू शुरू में ब्रेकेट ठीक है लेकिन बाद में कवर ऑर्डर लगाइए, CO BO नहीं, CO मतलब कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर मतलब आपने स्टॉप लॉस तो डिफाइन कर दिया लेकिन टारगेट को मौका देंगे, टारगेट फ्लेक्सिबल है, लचीला है, मतलब किसी दिन कम मूवमेंट आया तो हम आधा परसेंट ही ले लेंगे, लेकिन किसी दिन अच्छा मूवमेंट आया, निफ्टी भी सपोर्ट कर रही है, तो हम 2% और 6% तक भी बुक करने को तैयार खड़े रहेंगे। तो मिलता है, आप देख रहे हैं आज के दिन में ही बात करें जब निफ्टी 300 पॉइंट प्लस हो गई तो हीरो मोटोकॉर्प कहां तक चला गया और 20% का सर्किट लगा दिया टाटा मोटर ने। अब ऐसे में मैं पूरे 100 शेयर लेके सुबह से शाम तक बैठा रहा हूं ये तो मैं संभव नहीं मानता, लेकिन मेरे 100 शेयर में से 20 शेयर आखिरी तक पड़े रहे, इसमें क्या बाधा थी? तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब आप सोच रहे हैं 80 शेयर में जितना पैसा आपने कमाया 20 शेयर में उससे भी ज्यादा पैसा मिले आपको शाम को, और ये पछतावा नहीं हो कि इतनी बड़ी रैली आई और उसमें से मैंने क्या लिया, गंगा सामने से बह के निकल गई, नहाए भी नहीं, एक लोटा भर के बाहर खड़े हो गए। तो ऐसे फार्मूलेबाजी से काम नहीं चलेगा कि हर दिन का एक फार्मूला बना के आपका काम हो जाएगा, आप इस्तेमाल करो ना टूल्स का। अब आपने जैसे ऑर्डर लगा दिया, कई बार ऐसा होता है कि 220 पे आपने खरीदा, अब आपने ऑर्डर लगा दिया 223, 227, 230 पर प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर लगा दिया, तो ध्यान रखना कि कुछ क्वांटिटी 10-20% की तो आप ओपन ही छोड़ के रख दीजिए, ऑर्डर ही मत लगाइए उसका, क्योंकि इतना तो हम डिलीवरी में भी रख सकते हैं ना। तो लोगों के साथ क्या हुआ कि उन्होंने ICICI जैसा बैंक 280 रुपये में खरीद लिया, अब 280 में खरीद के 300 में बेच के बाहर हो गए, आज 380 में देख के कह रहे हैं कि अरे यार क्या लिया था। तो अब आप एक फार्मूला लेके नहीं चल सकते ना, अगर ICICI बैंक को आपने 280 रुपए पे भी आगे के लिए नहीं रखा तो कहां रखोगे, मतलब
अगर आप 20 रुपए में ही बेच के बाहर निकल रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है कि 280 में खरीदा, 300 में बेचा, 340 में खरीदा, 360 में बेचा, 380 में खरीद के 400 में बेचा, वो तो बात तो एक ही होगी। तो सही प्राइस पे खरीदने का असली फायदा तब है जब 10% या 20% इक्विटी या स्टॉक को आप होल्ड कर लो, तो आपको बहुत आगे तक पैसा मिलता है। लेकिन इसके लिए समझ जरूरी है, ऐसा नहीं कि 3-4 दिन से महीने भर से जो स्टॉक भाग रहा था उसको वहाँ ऊपर होल्ड करके बैठ गए, बर्बाद हो जाओगे। जो महीने भर से गिर रहा था और बॉटम आउट हो गया है, चार्ट में कहीं सिंपल तरीके से हम ये देख लें कि 2 साल पुराने सपोर्ट लेवल को टच किया है इस लेवल पे, तो यहाँ पे तो इसको रखना बनता है। तो ये सिंपल तरीके हमने आपको सारे वीडियो कोर्सेज वगैरह में बड़ी आसानी से समझा रखे हैं, लेकिन लोगों को आदत किस चीज़ की हो गई है कि MACD का 5 तरीके से आप अलग अलग जादू दिखाओ, RSI का 5-6 तरीकों से बताओ, फिर बोलिंजर बैंड के बारे में हम 5-7 तरीके से बात करेंगे, फिर हम ऑप्शन ग्रिक्स की बहुत सारी बातें करेंगे, और जब हम बाजार में पहुंचेंगे ना काम करने के लिए तो पता लगा कि डिसीजन ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि इतना सारा इजाजत नहीं देगा बाजार, वहां पे 2 मिनट के अंदर डिसीजन लेना होगा। अगर आपको सारा डाटा प्रोसेस करने में और ये वो चुनने में 15 मिनट लग जाते हैं तो क्या बचा फिर आपके लिए। सिंप्लिसिटी इज द की ऑफ सक्सेस। आपको जितनी पैरेलल स्टडी करनी है वो भी हमने सारा समझा रखा है डिटेल में, लेकिन हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को प्रमोट बिल्कुल नहीं करते। हम कभी आपसे ये नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा उलझ के आप अच्छा काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। काम आपका सहज होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे, उलझा दे, तो ऐसा काम करके क्यों अपने आप को पेन दे रहे हो, जबकि वो भी फेल होने वाला है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि टेक्निकल इंडिकेटर्स में उलझे रहते हैं और यहाँ टूल्स का सही इस्तेमाल ही नहीं पता। आपका ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के टूल्स का सही इस्तेमाल करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा ब्रैकेट ऑर्डर, तो इक्विटी में आराम से ब्रैकेट ऑर्डर लग जाता है। तो आपने जैसे ही मार्केट प्राइस पे कोई शेयर खरीदा तो ध्यान रखना मार्केट प्राइस पे बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं खरीदनी है हमको। भागता हुआ शेयर आप पकड़ने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, वो बार बार स्लिप हो रहा है, आपकी स्पीड कम है, वो बार बार स्लिप हो रहा है। तो ध्यान रखें कि आपको दिख रहा है कि ये शेयर भागा, 155.40 रुपये दिखा रहा है, तो ये होशियारी करने के बजाय कि 155.20 लगा दूं, आप 155.70 लगा के खरीदो, क्योंकि ये यहाँ से स्लिप हो गया तो फिर आप उसको 157 पे खरीदोगे, तो 20 पैसा ज़्यादा नहीं देने के चक्कर में 2 रुपया ज़्यादा देते हैं। तो ध्यान रखना मार्केट ऑर्डर ऐसा नहीं हो कि 5000 शेयर खरीदने जा रहे हैं मार्केट ऑर्डर में लगा दिए, क्योंकि जो इलिक्विड काउंटर्स होते हैं जहाँ वॉल्यूम कम होता है वहाँ ऐसा हो सकता है कि 4000 का शेयर 4050 तक आ गया आपके पास और अभी 4020 पे खड़ा है, मतलब लेते ही जूते पड़ रहे हैं, लेते ही सिर मुंडाते ही ओले गिर रहे हैं, ऐसा नुकसान हो सकता है। तो आपको क्या करना है, लिमिट ऑर्डर होता है जहाँ प्राइस को डिफाइन करते हैं, तो प्राइस के अंदर अंदर जब तक सौदा है वो हो जाएगा। एक होता है स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर जो हम सबसे ज़्यादा आपको बोलते हैं, फिर होता है मार्केट ऑर्डर। तो मार्केट ऑर्डर में आपको छोटी क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। मार्केट ऑर्डर के साथ अगर हम ये वाला कवर वाला फीचर कर सकें तो बहुत अच्छी बात हो जाती है कि आपने खरीदा उसके साथ ही डिफाइंड है 0.3% का स्टॉप लॉस होता है किसी भी प्राइस का शेयर हो, उसके साथ अगर आपका SL बन जाता है तो सबसे अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं है, SL आपको अलग से लगाना पड़ रहा है आपके सॉफ्टवेयर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले खरीदो, खरीदने के बाद तत्काल एग्जिट की तैयारी में रहो, और जब वो एक खतरे के लेवल से बाहर चला जाए तब थोड़ा प्रॉफिट बुक करके आप आराम से स्टॉप लॉस लगा। मतलब 155 में आपने खरीदा, वो एकदम से भागा 156.2 दिखाने लगा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर ली, अब आप कॉस्ट में नीचे 154.8 पे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं और अब इसको छोड़ दीजिए। आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी सिर्फ 2 बार करनी। अब बात आती है कहाँ दिखते हैं आपके ऑर्डर जो आपने लगा रखे हैं। कई बार नए लोग जो आते हैं वो सोचते हैं कि कहाँ तक जाएगा, वहाँ जाएगा, नहीं गया तो अब वो अपने अंदर उलझे हुए हैं और वो एक एक्यूरेट जवाब लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्यूरेट जवाब नहीं है इस अनिश्चित मार्केट में। तो क्या करना पड़ेगा आपको, 120 रुपए में खरीदा, वो 23 भी जा सकता है, 23 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि टुकड़े टुकड़े में ऑर्डर लगा के रखे हैं। अब ऐसा हुआ 23 बिक गया, 25 बिक गया, 26, 25, 24, 26, 25, 24 पे अटक गया है,
तो 29 का जो ऑर्डर लगा है, आप जाओ ऑर्डर बुक में देखा आपने कि 100 में से 50 शेयर बिक चुके हैं, 50 शेयर्स अभी ऑर्डर पेंडिंग है, आप उस पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई मतलब क्वांटिटी चेंज कर दो, प्राइस चेंज कर दो, या फिर आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं, आप उस ऑर्डर को कैंसिल करके मार्केट पे भेजते हैं, तो सामने मार्केट पे भेज सकते हैं। कभी आपने इंट्राडे के लिए कोई शेयर ले लिया, फिर अचानक लगा कि नहीं यार ये तो डिलीवरी के लिए भी अच्छा है, तो दो तरीके हैं, या तो इंट्राडे में उसको स्क्वायर अप कर दो और इधर डिलीवरी में खरीद के रख लो, या फिर उसी स्टॉक को आप कन्वर्ट टू डिलीवरी कर लें। तो 3 बजे के पहले जब ऑटो स्क्वायर अप होता है, अपने आप ही आपके इंट्राडे के लिए MIS में खरीदे हुए शेयर अपने आप ही बिक जाते हैं, या फिर इंट्राडे MIS में शॉर्ट सेल किए हुए शेयर अपने आप खरीद लिए जाते हैं। आपको पता है कि आप बाइंग तो डिलीवरी में भी कर लो, इंट्राडे के लिए डिलीवरी में कर दो तो भी अगर आपके पास पैसा है तो डिलीवरी में बाइंग हो जाएगी, CNC में बाइंग हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट सेलिंग नहीं होगी। CNC में जब आप शॉर्ट सेलिंग करने जाएंगे तो CNC में नहीं करेगा वो शॉर्ट सेलिंग, क्योंकि अगर आपके होल्डिंग में वो शेयर पड़ा हुआ है तो ही आपका शेयर बिकेगा, नहीं तो आप MIS में ही शॉर्ट सेलिंग कर पाएंगे, क्योंकि इंट्राडे के लिए शॉर्ट सेल कर रहे हो तो वो शेयर बेचने दिया जाएगा। CNC में अगर आप बेच रहे हैं इसका मतलब आप अपनी होल्डिंग में से शेयर बेच रहे हो, होल्डिंग में शेयर अगर है ही नहीं तो आप शॉर्ट सेल नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट सेलिंग किसको कहते हैं? जो शेयर मेरे पास नहीं है उसको बेचना। अगर आपके पास जो शेयर होते हैं आप उसको बेचते हैं तो उसको तो सेलिंग बोल रहे थे, शॉर्ट सेलिंग मतलब जो मेरे पास नहीं है मैं उसको बेच रहा हूं। तो शॉर्ट सेलिंग किसकी हो सकती है? जो आपके पास नहीं है MIS में कर लो और शाम तक स्क्वायर अप करके चले जाना। स्क्वायर अप किसको कहते हैं? -100 करे थे और आपने या तो +100 करके नेट क्वांटिटी जीरो कर दी, आपने नहीं की तो RMS जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो अपने आप ही ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगा, लेकिन बाजार में इंट्राडे की सारी पोजीशन आपकी क्लियर हो जाएगी। पर एक चीज जो मैंने आपको बताई थी, स्टॉप लॉस जरूर लगाना, क्योंकि अगर उसमें अपर सर्किट लग गया और वो ऑटो स्क्वायर ऑफ नहीं हो पाया तो फिर आपका शेयर ऑक्शन में चला जाएगा, आपको बहुत बड़े नुकसान होंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, स्टॉप लॉस लगाने की आदत डाल लेना। 25 साल पुराने ट्रेडर से भी मैंने पूछा कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, तो वो बोलते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना सीख लिया बस, मतलब इधर गर्दन घुमाओ और इधर SL चला जाए तो भी मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। तो स्टॉप लॉस लगाना सीख लेना आप। स्टॉप लॉस लगाना मतलब कि हेलमेट लगा के गाड़ी चलाना। तो चलिए दोस्तों, ये हम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे थे। अब नेट पोजिशन में आप जाते हैं तो वहां आपको क्या दिखता है? आपका M2M देखने के लिए, प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं, ये शेयर बाय किए इस प्राइस पे, ये शेयर सेल किए इस प्राइस पे, इतनी नेट क्वांटिटी है। अगर आपने बीच में 100 में से 50 शेयर बेच दिए और 50 शेयर में आपको ₹5 का फायदा हो गया तो बची हुई नेट क्वांटिटी का जो रेट होगा आपका वो ₹5 से कम हो जाएगा, क्योंकि उधर जो ₹5 आपने फायदे में कमा लिए वो इधर के शेयर के बचे हुए आधे शेयर की कॉस्टिंग में से कम हो जाएगा। तो कभी कभी आपको समझ में नहीं आता कि मैंने तो इस प्राइस पे लिया था लेकिन ये प्राइस कहाँ से दिखा रहा है, इस पे तो लिया ही नहीं मैंने, तो और नीचे की प्राइस है। ये सब एडजस्टमेंट आपके प्रॉफिट और लॉस के साथ हो रहा है। तो भाई आपको कम का दिखे शेयर तब तो आप सवाल नहीं करते, पर आपने समझो कोई 100 शेयर लिए ₹1500 में और वो एकदम से नीचे आ गए, 50 शेयर आपने 1400 में बेचे, लॉस बुक कर लिया, तो अब 50 शेयर बचे हुए आपके 1600 के दिखने लगेंगे, क्योंकि ₹100 का जो लॉस हुआ है वो ₹100 का लॉस आपकी कॉस्टिंग में ऐड हो जाएगा, तो आपका शेयर महंगा दिखने लगेगा आपको। आप कहोगे 1600 में तो मैंने खरीदा ही नहीं, मैंने तो 1500 में खरीदा था। तो ये सारा कैलकुलेशन समझना है। फिर जब आप अपने प्रॉफिट बुक करते हैं तो कहाँ दिखता है? M2M में देखिए। M2M मतलब मार्क टू मार्केट लॉस और प्रॉफिट, मार्क टू मार्केट मतलब जहां से खरीदा बेचा और टोटल अभी कितना नेट दिख रहा है। तो नीचे देखा आपने तो कहीं कहीं पे तो राउंड फिगर में दिखा रहे हैं 1K 2K 3K, मतलब लगभग 1000 लगभग 2000 लगभग 3000, कहीं कहीं पे एक्यूरेट दिखा रहे हैं कि आपको मिल रहा है ₹973, आपको मिल रहा है ₹1213। तो अपनी कैपिटल दिमाग में रखो, कैपिटल का 0.5% भी एक बार के सेशन में मिल रहा है तो आप जो फायदे में नुकसान में सभी को स्क्वायर अप करके बाहर हो जाओ, ऐसा कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये उम्मीद लग रही हो कि नहीं यार ये जो मैंने खरीदा है इसमें तो बहुत बड़े प्रॉफिट हो सकते हैं, तो 100 में से 80 बेच के 20 शेयर में अपना ₹3 का ₹5 का स्टॉप लॉस लगा दिया, मतलब 60 या 100 रुपया आपने प्रॉफिट से रिस्क में डाल के छोड़ दो, चलेगा, ये आप कर सकते हैं। तो क्या किया हमने कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे 2 शेयर प्रॉफिट में है, 1 से 500 मिल रहा है, 1 से 600 मिल रहा है, एक शेयर नुकसान में 400 लग रहे हैं,
अब हमने वो प्रॉफिट वाले शेयर तो बुक कर लिए, वो लॉस वाले को खुला छोड़ दिया। शाम तक आके देखा वो 2000 रुपये माइनस है, तो वो जो 1000 मिले थे वो तो कहीं गए और 1000 और जेब से लग गए। जबकि एक मौका ऐसा था जब आपको 1100 में से 400 हटा के 700 रुपये तो बच ही रहे थे और मेरी कैपिटल 1,00,000 रुपये थी, तो 0.7% मेरी कैपिटल पे मिल रहा था, खर्चा काट के 600 रुपये तो कहीं नहीं गया था। दोपहर को वापस उसी कैपिटल से मैं काम करने आता तो देख पाता निफ्टी ऊपर जा रही है, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, या निफ्टी लुढ़क रही है, सेंसेक्स लुढ़क रहा है, तो कहाँ शॉर्ट सेलिंग करी नहीं है, कहाँ बाइंग करनी है, नए सिरे से देखता, सही ट्रेड करता, तो ये नुकसान तो नहीं हो सकता था। तो गलतियाँ करो अगर, और गलती भी हो जाए, नुकसान भी हो जाए, तो उसके बदले तजुर्बा तो मिले हमको। हम तो एक बार बस खरीद लेते हैं, एक बार बेच देते हैं और फिर एकदम फ्रीज हो जाते हैं, हम डिसीजन लेने की स्थिति में ही नहीं होते, तो फिर हमने सीखा भी नहीं। ज़्यादा ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, या तो वो डर जाते हैं या फिर वो मट्ठे हो जाते हैं। मट्ठे मतलब रिजिड, ऐसे कि भाई आप ले लिया तो ले लिया, जो होगा देखा जाएगा। अब 1,00,000 रुपये का शेयर उनके सामने 20,000 का रह जाता है, और फिर बाद में उनको लगता है कि यार बेच ही देते तो ठीक रहता ना। बाजार के साथ आप ये कभी नहीं कर सकते कि कहाँ तक जाता है देखेंगे, ये दोनों तरफ से ऐसा धोबी पछाड़ देगा कि हमारे अच्छे अच्छे लोगों का ईगो टिकने नहीं देता। बाजार एटीट्यूड का तो खासतौर पर दुश्मन है। तो एक ट्रेडर को कैसा होना चाहिए? लचीला, फ्लेक्सिबल। तो दोस्तों, ट्रेडिंग ऑपरेशंस को लेके अगर आपके और सवाल बाकी हैं, अभी मैंने खास खास बातें तो आपको बता दी है, और कोई सवाल बाकी है, आप जैसे आप मार्केट डेप्थ देखना चाहते हैं, बायर सेलर, तो आपको टॉप फाइव सेलर, टोटल बायर कितने, टोटल सेलर कितने, ATP कितना, ये सब देखने को मिलता है। ये नॉर्मली ओडिन सॉफ्टवेयर में FI से होता था, अभी आप मार्केट डेप्थ क्लिक करेंगे तो देखने को मिल जाएगा। आप टटोलिए आपकी इसमें ये कहाँ कहाँ है, अब फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट देखना हो, उसको सिलेक्ट किया तो कंट्रोल आई से ओडिन में चार्ट खुल जाता था, अभी तो आपने राइट क्लिक किया तो वो चार्ट अगर वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, क्लिक किया चार्ट सामने खुल जाएगा, फिर चार्ट को बड़ा कर लिया, अब देख रहे हैं आसानी से। तो चार्ट को आसानी से एक मिनट में देख के क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं रनिंग मार्केट में, ये जरूरी है। रनिंग मार्केट में आप 15 मिनट तक चार्ट को घूरते रहें और उसके तरह तरह के इंडिकेटर के साथ खेलते रहें, ये रनिंग मार्केट में पॉसिबल नहीं है। ये आप रात को 9 बजे से 11 बजे तक जो करना है करो, आप एक चार्ट को खोद खाद के पूरा 2 घंटा पूरा कर दो चलेगा, लेकिन तब भी मैं कहूंगा कि उन 2 घंटे में भी अगर आपने 20 तरह के शेयर देखे तो आपका जो विजन है वो थोड़ा वाइड हो जाएगा, आपको पूरा पिक्चर दिखेगा, फायदा देगा। तो ऐसा ध्यान रखें दोस्तों, जो भी आपके सवाल आते हैं, आपको एक एक बात, एक एक छोटी छोटी बात हम यहाँ सिखाने वाले हैं, उसके लिए हमारे फ्री वीडियोस तो है ही, फ्री सपोर्ट ग्रुप भी है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो फिर पेड वीडियो कोर्स आप ले सकते हैं, अगर तो बहुत ही अच्छी बात है। 10,000 के कोई भी 2 वीडियो कोर्स ले लीजिए चुन के, वो कमोडिटी इंट्राडे स्टॉक मार्केट हो, या फिर वो निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन हो, या फिर वो इन्वेस्टमेंट प्लस ऑप्शन कोर्स हो, या फ्यूचर कोर्स हो, या फिर करेंसी प्लस कमोडिटी हो, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, सीखते रहिए। बस इतना बता सकता हूं मैं, नॉलेज से बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। आप खुद भी जानते हैं कि जो लोग किसी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, साइकिल चला के जो पढ़ाई करते थे, वो आज फरारी में भी घूम रहे हो, ये पॉसिबल हुआ सिर्फ नॉलेज की वजह से। तो एक ज़माना था सबसे पहले कि आपकी बाहुबल को ही आपकी ताकत माना जाता था, जितना जिसका शरीर में ताकत उतना वो ताकतवर था। बाद में एक बात आई कि जिसके पास पैसा था वो ताकतवर था, और अब जो ज़माना आया है जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास आइडिया है, वो ताकतवर है। आप देखो ना, गूगल, फेसबुक, ओला, ओयो, ये सब कौन है? आइडिया लेके आए और वो ताकत बदल गई पैसे में। तो बड़ा पैसा किसके पास आ गया? जिसके पास आइडिया था। तो इसलिए सोचना, समझना, सीखना, ये लगातार काम है, और इससे ज़्यादा मज़ा ज़िंदगी में किसी चीज़ में नहीं आता। करके देख लो आप, लॉकडाउन के अब आखिरी दिन बचे हैं, आगे क्या होगा हमको नहीं पता कि एक्सटेंड भी हो जाए, लेकिन दोस्तों ये बचे हुए दिन को ही इस्तेमाल कर लो। ये भी किया जा सकता है, किसी को लग रहा है 4 दिन बाकी है, तो चलो गए पुराने दिन जिनका इस्तेमाल हो सकता था, इन 4 दिनों में ही आप 1 वीडियो कोर्स 2 वीडियो कोर्स लेके उनको पूरा देख लें, उसके बाद उनमें प्रैक्टिस चालू कर लें। वीडियो कोर्सेस, पेड वीडियो कोर्स में 10 पावरफुल स्ट्रेटेजीज होती है हर एक मार्केट कंडीशन के लिए,
हर वीकेंड में आपको स्ट्रेटेजी देखते जाना है, आप बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।